सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने एक चैनल का कैसे यूआरएल चेंज करते हैं, या अगर आप नए बनाए होंगे तो आप नया कैसे बना सकते हैं, या जो बनाया होगा उसको कैसे डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं, वो भी अपने फ़ोन से। आप भी अपने फ़ोन से बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में उस बेल आइकन को भी आप ऑन कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले बता दूँ कि आपको यूआरएल बनाने के लिए सबसे पहले आपका तो 100 सब्सक्राइबर होना चाहिए और आपका चैनल कम से कम एक महीना पुराना होना चाहिए। और मैं आपको इस वीडियो में पूरा फ़ोन से बताऊंगा कैसे लाइव, वो भी लाइव टू लाइव बताऊंगा कैसे हम फ़ोन से एक यूआरएल अपना बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें चले जाना है क्रोम में। क्रोम ब्राउज़र आपको ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र में आपको अपना यूट्यूब खोलना है, जैसे मैं भी खोल लेता हूँ। देखिए यूट्यूब खोलने के बाद से आपको जस्ट देखिए, ये मेरा यूट्यूब खुल गया। यूट्यूब खोलने के बाद से जस्ट आपको यहाँ पर कॉर्नर पर अपने लोगो पे क्लिक करना है। लोगो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे योर चैनल खोलना है। योर चैनल खोलने के बाद से आपको 3 डॉट यहाँ पे जो दिख रहा है ऊपर सबसे एरो के साइन में, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से आपको डेस्कटॉप साइड में आपको खोल लेना है। आपको डेस्कटॉप साइड में खोल लेने के बाद, जैसे कि ये मेरा भी खुल रहा है, तो यहाँ पे अपने चैनल पे क्लिक करना है। अपना ये अपना जो लोगो है, जैसे कि थोड़ा हमारा नेट स्लो है, हाँ, तो यहाँ पे खोलने बाद से आपको जस्ट जाना है योर चैनल पे। योर चैनल पे जाने के बाद से आपको चले जाना है कस्टमाइज चैनल। कस्टमाइज चैनल जाने के बाद से ये आपको अपने YouTube के स्टूडियो में लेके चला जाएगा, जैसे कि देख रहे हैं थोड़ा सा लोडिंग लेगा। देखिए आ गया। तो आपको एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, आपको ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। तो जैसे कि ये मेरा डैशबोर्ड है, तो आपको जस्ट चले आना है सबसे नीचे, ऐसे पेंसिल के साइड पे है, आपको जस्ट नीचे इस पर क्लिक करना है। चैनल कस्टमाइजेशन, चैनल कस्टमाइजेशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको चले जाना है यहाँ पे बेसिक इन्फो। यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिख रहा है, लेआउट, ब्रांडिंग एंड बेसिक इन्फो। तो आपको जस्ट इसमें बेसिक इन्फो पर जाना है। बेसिक इन्फो पर जाने के बाद से जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा यूट्यूब का यूआरएल यहाँ पे है फर्स्ट पे इतना बड़ा, और मैंने यहाँ पे कस्टम यूआरएल बनाया है, ठीक। तो चलिए हम इसको डिलीट करते हैं। डिलीट करके फिर से नया बनाते हैं। तो चलिए पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद से हमको ये गूगल अकाउंट में लेके जाएगा। गूगल अकाउंट में जाने के बाद से जस्ट आपको यहाँ पर अबाउट में जाने के बाद, इस पर अबाउट दिख रहा है, अबाउट में ऐसे क्लिक, यहाँ पे अबाउट में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से यहाँ पे देख रहे हैं कस्टम यूआरएल्स, यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है यू कैन सी योर कस्टम यूआरएल रिमूव एंड ओके। तो हमको रिमूव करना है, फिर से नया बनाना है, तो हम रिमूव करेंगे। देखिए गाइस, बस आपको जस्ट तम स्टेप बाय स्टेप पूरा फुल वीडियो देखना है, बहुत ही सिंपल। ये हमारा URL का जो मैंने बनाया था URL का कस्टम, वो हमारा डिलीट हो चुका। थोड़ा बैक चले जाते हैं, फिर इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं 5-10 मिनट बाद। तो जैसे कि हमने दिखाया आपको कि हमने कैसे अपना जो URL बना था उसको रिमूव करा और फिर से हम बनाएंगे उसको। तो चलिए फिर से हम चले जाते हैं आपके कस्टमाइज चैनल पे। आपको चले जाना है, कुछ मिनट आपको वेट कर लेना है। जैसे आपने बनाया होगा तो उसको आपको रिमूव कर देना है, फिर आपको 5 मिनट के बाद से वो अपडेट आ जाएगा, अपने रिमूव जो करे होंगे वो हट जाएगा। उसके बाद से फिर से आपको चले जाना है कस्टमाइज में। कस्टमाइज चैनल पे जाने के बाद से फिर आपको रिडायरेक्ट कर देगा उसी में यूट्यूब स्टूडियो में जाने के बाद, देखिए जैसे कि मेरा हो रहा, हाँ,
फिर से आपको चले जाना है सबसे नीचे, आपको जो पेंसिल का साइड दिख रहा है उस पर आपको चले जाना है। चलने जाने के बाद से फिर आपको चले जाना है बेसिक इन्फो में, जैसे कि मैंने बताया था। बेसिक इन्फो में जाने के बाद जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो URL बनाया था वो रिमूव हो चुका। तो जस्ट आपको इसका नीचे दिख रहा है सेट ए कस्टम URL फॉर योर चैनल। हम अपने YouTube चैनल के लिए फिर से एक नया प्रॉपर URL बना सकते हैं, तो जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है सेट ए कस्टम URL पे। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको आपके चैनल का जो नाम है अगर वो अवेलेबल होगा तो शो हो जाएगा। जैसे कि मेरा चैनल का नाम ये है, तो मेरा ये शो हो रहा है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। आपको भी अपने चैनल के हिसाब से जो भी नाम है आपका चैनल का उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक। अगर नहीं मिले तो आप उसके आगे कुछ डिजिट डाल दीजिए, जैसे कि अपने हिसाब से कुछ भी, 01 चाहे 12 ऐसे कुछ भी, एक यूनिक नाम आपका अवेलेबल होगा तो आपको मिल जाएगा। जैसे कि मेरा था मेरे चैनल के हिसाब से नाम, तो मैंने सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद से जस्ट आपको इस पर पब्लिश कर देना है, देखिए कंफर्म कर देना है, थोड़ा सा लोडिंग लगा। देखिए ये मेरा हो चुका। अब हम चले जाएंगे अपने यूट्यूब पे, अब ये कुछ देर बाद अपडेट हो जाएगा। जैसे ही आप अपने YouTube का एक कस्टम URL बना देंगे, पब्लिश कर देंगे, उसके आपको जस्ट बस 5 मिनट आपको वेट करना है। 5 मिनट वेट करने के बाद से वो आपको अपडेट कर देगा, तो अपडेट कर देगा। तो हम चलिए आपको भी दिखा देते हैं। चले जाना है आपको YouTube के डैशबोर्ड में, हम रिफ्रेश कर देते हैं आपके सामने, हो रहा है। आपको चले जाना है फिर से कस्टमाइज चैनल। जाने के बाद ये हमको फिर से रिडायरेक्ट कर देगा, देखिए। हाँ, आपको चले जाना है उस पर सबसे नीचे पेंसिल के आइकन में, चले जाना है बेसिक में। बेसिक इन्फो में जाने के बाद देख लिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये मेरा कस्टम URL जो हमने बनाया था http://youtube.com/c/rohitofficial01, ये हमारा चैनल का नेम और URL जो हमने पब्लिश करा था अभी सेट हो गया। सो गाइज देखिए, हमने अपडेट करा था जो, वो अपडेट हो चुका। देखिए यहाँ पे मैं आपको जूम कर देता हूँ, देखिए www.youtube.com/c/rohitofficial01, ये हमारा चैनल का जो नाम था, हमने जो अपडेट करा था वो अपडेट हो चुका। अब हम इसको कॉपी करके अपना शेयर भी कर सकते हैं, और कुछ देर बाद ये हमको अपडेट भी हो जाएगा पूरा अच्छे तरीके से। जो भी कुछ अगर किसी का ओपन नहीं हो रहा है, चाहे किसी का हो रहा है, मतलब जिसका नहीं हो रहा वो भी अपडेट कर देगा, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ देर बाद ये अपडेट भी कर देगा, जैसे कि हमारा हो चुका। तो देखा ना, बहुत ही सिंपल है। बस आपको वीडियो अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको आई होप कि आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत या परेशानी कुछ भी हुआ होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। बस इतना ही, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड वंदे मातरम।